नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को गुरुग्राम में नगर निगम की 27 करोड़ 45 लाख रुपए की 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखी तथा लोकार्पण किया। उन्होंने आज गांव कादीपुर में बेघर लोगों के लिए बनाई गई रैन बसेरा भवन का लोकार्पण करने के साथ साथ गांव जहाजगढ़ में बनाए जाने वाले 10 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा नगर निगम वार्ड 35 में विकास कार्यों की आधारशिला रखी। और इसके साथ देखते रहिए पलपल की विशेष रिपोर्ट। आज ग्रेवेंस कमेटी से आने से पूर्व दो आधारशिला रखी गई है। फाउंडेशन स्टोन 10 MLD STP एट विलेज जहाजगढ़ और वार्ड नंबर 35 में एक डेवलपमेंट वर्क की शुरुआत की गई है। ऐसे ही एक शेल्टर होम यहाँ बनाया गया है होमलेस पर्सन के लिए, उसका इनाग्रेशन किया बिल्डिंग का, जिसकी टोटल कॉस्ट है वो 27.5 करोड़ रुपया ये आई है। आज से पूर्व कल भी जो मेरे कार्यक्रम हुए थे उसमें कल सायंकाल GMDA की मीटिंग भी हुई थी। तो GMDA की मीटिंग में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे थे उनकी सबकी रिपोर्टिंग रखी गई और जो ध्यान में आया कि सभी पर प्रगति है और सब टाइमलाइन के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। आने वाले एक साल के अंदर कोई 11-12 काम ऐसे हैं जो गुरुग्राम में चल रहे हैं, जैसे उसमें फ्लाईओवर हैं, अंडरपास है या STP के प्लांट हैं, ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे और गुड़गांव के लोगों की जो भी छोटी बड़ी तकलीफें हैं उनको हल करने के लिए सभी डिपार्टमेंट, चाहे फिर वो GMDA के अंतर्गत आने वाले काम हो, चाहे MCG के अंतर्गत आने वाले काम हो या अन्य डिपार्टमेंट का काम, वो सारे के सारे सुचारू रूप से चल रहे हैं। और नया जो बजट है हमारा वो भी विधानसभा में पेश होगा, उसके लिए भी हमने आह्वान किया है सभी डिपार्टमेंट के लोगों को भी, किया है यानी डिपार्टमेंट यानी सेक्टर्स के, जैसे सर्विस सेक्टर्स की कल मीटिंग थी तो सर्विस सेक्टर्स के लोगों को भी कहा है जो भी वो सुझाव देंगे, ऐसे जो रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं तो उनको भी कहा है कि जो सुझाव देंगे उन सबको हम जो है आने वाले बजट में समाधान उनका करेंगे, उनको उसके अंदर उनके सुझावों को अहमियत दी जाएगी।